मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल चिलुआ ताल भी रामगढ़ ताल की तरह खूबसूरत पिकनिक स्पॉट बनेगा। ताल के सुंदरीकरण के बाद शहर के उत्तरी छोर पर रहने वाले लाखों लोगों को सैर सपाटे का एक नया ठिकाना मिलेगा। चूंकि यह ताल गोरखपुर से नेपाल जाने वाली सड़क से लगे हुए है, ऐसे में नेपाल जाने वाले देशी एवं विदेशी टूरिस्ट को भी ताल की खूबसूरती अपनी ओर आकर्षित करेगी। गौरतलब है कि रामगढ़ ताल की तरह ही चिलुआ ताल का सुंदरीकरण भी योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। गोरखपुर खाद कारखाना भी चिलुआ ताल से सटा हुआ है। नए खाद कारखाने के शिलान्यास के बाद कारखाना स्थापित करने वाली कंपनियां सरकार की मदद से ताल का सुंदरीकरण कर रही हैं। चिलुआ ताल को विकसित करने के क्रम में यहां 800 मीटर का बांध बनाने की योजना है। 660 मीटर क्षेत्र में बोल्डर पिचिंग कर उसके ऊपरी हिस्से पर वॉकिंग ट्रैक बनेगा। तकरीबन 150 मीटर में पक्का घाट बनेगा। घाट के पास पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच की भी व्यवस्था रहेगी। रामगढ़ ताल की तरह यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। संगीतमय और रंगीन फव्वारे इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे। अगर आप किनारे की बजाय ताल के बीच से इसकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो मोटर बोट की भी सुविधा मिलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्थानीय नागरिक सतसुकृत और जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, चिलुआ ताल की स्थिति बहुत ही इसके पहले ख़राब था, लेकिन पूज्य महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका नज़र इस चिलुआ ताल पर आया। जिस तरह रामगढ़ ताल का उन्होंने सुंदरीकरण कराया और जो भी मतलब विकास का कार्य किया, उसी अनुसार चिलुआ ताल को भी बदलना चाह रहे हैं। और यहाँ फर्टिलाइज़र फैक्ट्री होने के नाते यहाँ की आबादी भी बढ़ रही है, अच्छे कारोबार और बाहर से लोग आते जाते रहते हैं। इसका सुंदरीकरण होने से यहाँ के लोगों को बहुत ही सुंदर हवा पानी और पेयजल का भी व्यवस्था हो जाएगा, जिससे महाराज जी को मतलब और भी बहुत लाभ मिली है। क्योंकि ये मैसरा ताल जो भावंत माता का मंदिर है, यहाँ पर छठ पूजा का भी व्यवस्था होता है हर साल, बहुत विशाल कार्यक्रम होता है। तो इसमें सुंदरीकरण होने से यहाँ की आम जनता को भी लाभ है और बाहर से जो लोग आएंगे उनको भी लाभ मिलेगा और यहाँ का विकास भी होगा।
देखिए आप रामगढ़ ताल गोरखपुर का मशहूर है, जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है, और इतने बड़ा ताल एक सौभाग्य बात है, बहुत मुश्किल से कोई शहर में है। इसी का अहले पहल में यहाँ बहुत सारे तालाब है, ताल है, उसी का चिलवा ताल है, यहाँ बहुत प्राचीन काल की ताल है, बहुत बड़ा ताल है, इससे लगभग दो गुना बड़ा है, और कभी कभी राप्ती नदी भी जुड़ जाता है, राप्ती नदी का जो बैकवाटर पानी है उसको रखता है, और चिलवा ताल का पानी बहुत शुद्ध पानी है, नेपाल का बॉर्डर से निकलते हुए आता है, और उसी पे एक प्रोजेक्ट बन रहा था, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सैंक्शन भी होगी। वो चिलवा ताल इलाका कहाँ लोकेटेड है, वहाँ चारों तरफ टाउनशिप बन गया है, अभी फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी प्रारंभ हो जाएगा, उसी का ऑफिसर्स लोग भी रहेंगे, फिर उसके अलावा सैनिक स्कूल, बटालियन, और पहले ही जो SSB का सशस्त्र सीमा बल का एस्टैब्लिशमेंट है, सारे चीज़ आई जा रहा है एक ही जगह, उसी का पानी का भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए वहाँ का पानी का भी एक वाटर का यूटिलाइजेशन 1 लाख लीटर पर डे क्षमता का एक टैंक बनेगी, वहाँ का लोकल यूज़ के लिए वो पानी का इस्तेमाल होगा। उसके अलावा पर्यटक दृष्टिकोण से भी, वैसे रामगढ़ ताल जैसे ही वो डेवलप कर रहे हैं, वहाँ जो फर्टिलाइजर माध्यम से उन लोग एक रबर डैम बना करके उसका एक डैम का स्वरूप दिए हैं, उसके अलावा कुछ घाट बनेगा, फिर एक जेटी बनेगी, फिर बोटिंग का व्यवस्था होगी, एक सौंदर्यकरण का एक पर्यटन का स्थल एक बढ़िया से बन जाएगा, उसी का प्रारंभ हो गया है, काम जारी है, उम्मीद करेंगे अगले 6 महीने के अंदर ये जनता का एक और एक उपलब्धि के रूप से गोरखपुर में उन लोगों को मिलेगा।